खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजरकर जो लाए सही पहचान, यही है दिग्दर्शन की पहचान। सर्दी का सितम, पारा लुढ़क कर 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर रीवा में भी देखा जा सकता है। इन दिनों यहां भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से ही शाम तक कड़ाके की ठंड का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। दोपहर में भी गर्म कपड़े पहनने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। शाम ढलते ही अलाव की व्यवस्था होती है और लोग आग जलाकर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। आइए देखते हैं रीवा में ठंड का असर और किस तरह से कहर बनकर लोगों पर बरस रहा है। उत्तर भारत में जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भी देखने को मिल रहा है। रीवा में जहां 3.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है, वहीं सतना में भी 5 डिग्री तक पहुंच गया है और सीधी भी इससे अछूता नहीं रहा। सीधी में 4.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के जिलों पर, जहां पर लगातार तापमान लुढ़क रहा है और जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। तो एक नजर डालते हैं, आप भी देखिए किस तरह से ये जिले प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पर लगातार तापमान नीचे गिरता जा रहा है। जिस तरह से उत्तर भारत में सर्दी और फिर विंध्य में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, उससे मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की है कि यह तापमान लगातार और नीचे गिरेगा और यहां भी ठंड ज्यादा होने के आसार बन गए हैं। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो रीवा जिला भी 0 डिग्री तक पहुंच गया था और न्यूनतम तापमान यहां पर कम रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर लगातार इस तरह से ठंड देखी गई, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार यहां पर ठंड का असर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह तापमान और भी नीचे आ जाएगा। एक नजर डालते हैं रीवा में किस तरह से लोग जनजीवन को अपना बनाने के लिए आपका सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़ों की खरीदी कर रहे हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं रीवा के सबसे व्यस्ततम बाजार में। कड़ाके की ठंड को देखते हुए काफी लोग इस समय गर्म कपड़े की खरीदारी में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग गर्म कपड़े खरीदते दिख रहे हैं। हम उनसे जानने की उनसे बात करते हैं। वो जी बताइए, ये आप लोग गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, क्या है ऐसा, क्या है कि आप लोग कोई जरूरत महसूस? अभी इस टाइम तो काफी ठंड है, इस साल तो काफी ठंड है, इसके कारण ठंड बढ़ रही है और ठंड बड़ी भी है,
और 2 दिन बाद तो शायद और ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए शाम को कोहरा भी पड़ जाता है ना, इसलिए ठंड ज़्यादा हो जाती है। हाँ, शाम के टाइम कोहरा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए लोग ठंड खरीदते कपड़े वगैरह, कार्डिगन वगैरह इसीलिए खरीदते, शॉपिंग चले प्लस की दुकान भी है। ये आपको इतनी ठंड लग रही है इस मौसम में, आप कपड़े खरीदने आई हैं ऐसा कैसे, क्यों? शादी में जाना है ना, तो कुछ वैरायटी डिफरेंस चाहिए अलग अलग पहनने के लिए, इसलिए एक्स्ट्रा में कुछ ले रहे हैं शादी में पहनने के लिए। ऊलन कपड़े मौसम में क्या कुछ इस पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा ठंड? हर साल की तरह ही है, हमेशा ही होती है दिसंबर जनवरी, अभी काफ़ी ठंड तो बढ़ गई, हफ्ते 10 दिन जैसे अभी पानी अभी चलेगी। उत्तर भारत की ठंड असर रीवा में साफ तौर से देखा जा रहा है, यहाँ पर लगातार गर्म कपड़ों की खरीदारी में काफ़ी लोग व्यस्त हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, लगातार गर्म कपड़े खरीदने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम और कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए, ये बताइए इस मौसम में आप लोग यहाँ पर गर्म कपड़े खरीदने के, क्या पिछले साल के मुकाबले कुछ ऐसा लग रहा है ज़्यादा ठंड पड़ने का? अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ठंड और बढ़ने की उम्मीद है? बताइए ये ठंड, उधर घूमिए जरा, बात करो, बताइए आपको ठंड ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ठंड है, तो क्या गर्म कपड़े वापस से कह के इस बार ज़्यादा खरीदने हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन का बहुत ज़्यादा विंटर लेना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर साफ तौर से लोगों का कहना है कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि कपड़े तो मजबूरी है कपड़े खरीदना, और ऐसा लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ये तो दिसंबर का महीना, जनवरी में उम्मीद की जा रही है इस बार ज़्यादा ठंड पड़ेगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद हूँ। देर रात जहाँ काफी ठंड महसूस की जाती है, लोग रजाई में दुबके रहते हैं, गर्म कपड़ों को पहनकर सोने को मजबूर हैं, वहीं सुबह से भी धूप निकलने के बावजूद भी ठंड का असर देखा जाता है, और दोपहर में भी गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर हैं। शाम ढलते ही लोग अलाव के साय में बैठ जाते हैं, और जहां पर आग होती है वहां पर बैठने के लिए मजबूर हैं। रीवा दर्शन ने रीवा जिले के मुसाफिरों और आसपास के लोगों का जायजा लिया, जहां पर लोग अलाव जलाकर हार तपा देने वाली ठंड से निजात पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। आ जाओ ऐसे ही घूम जाओ भैया, आप घूम जाओ, अच्छा अब आगे कितने दिन से चल रही है? पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की शीतलहर चल रही है, पूरा उत्तर भारत ठंड के प्रकोप से कांप रहा है, उसका असर रीवा में भी देखा जा रहा है। रीवा में इस समय कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लोग झुंड के झुंड में बैठकर आग को ताप रहे हैं और अपनी किसी तरीके से अपनी ठंड को यहाँ पर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े लोग तो अपने घरों में दुबके हुए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका कोई आशियाना नहीं है, वो अपना किसी तरीके से इसी आग के, जो कि उनको नगर निगम ने उपलब्ध कराई है, उस आग के सहारे अपनी ठंड को काट रहे हैं।
यहाँ हमारे बहुत सारे गरीब लोग बैठे हैं, हम उनसे कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, वो इस किस तरीके से ठंड को यहाँ पर से अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा ठंड को कैसे काट रहे हैं आप? अरे ऐसे आदमी पहुड़ा है यहीं थे पेड़ तरी रोटा है, हाँ तो देख ले सब सामने पड़ा लाग है। रात भर आप लोग ऐसे ही रहते हैं? रात भर आदमी सब पड़े रहते हैं, दो चार आदमी चले गए अपने अपने घर हो गए और कुछ मिलते नहीं। आप यहाँ पर ठंड, आपको ठंड लग रही है ज्यादा, तो कैसा इंतजाम है आपका? इंतजाम यह है कि बटा था तब कुछ नहीं मिल पाता, हमका नहीं मिल पावे, लपका थे बटा था पर मिल नहीं पावे, हम लपके के आ गए। अच्छा लो, हम क्या करें, हम क्या करें, हम भाई फैन हो गए, ऐसा लड़ाई करी झगड़ा करी तो हम नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते सर, बता भी यहां लोग बैठा है, लड़ाई करते ना पकते हैं कपड़ा अपने लोग को होने के लिए खंड में आपके सहारा बैठा है, बोले जैसा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं इसी तरीके से, किसी तरीके से आग को ताप रहे हैं और यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, झुंड के झुंड में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो झुंड का झुंड बना के आग ताप रहे हैं और अपने किसी तरीके से अपनी ठंड को बिताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग रात भर ऐसे ही बैठते हैं? आप लोग को यहाँ पर सोने और इसका कोई इंतजाम किसी तरीके का? पेड़ में रात को काटते हैं आप लोग? गर्म कपड़े वगैरह कुछ? यहाँ पर एक झुंड और मौजूद है जो पूरी तरीके से महिलाओं का है, हम सीधे उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये लोग अपनी आँख को, अपनी ठंड को किस तरीके से यहाँ पर से काट रहे हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए रात भर ऐसे ही बैठते हैं? जी नहीं। हाँ जी बताएं। भाई हाँ बताइए बताइए। कोई नहीं बैठता, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा तो यहाँ अभी आप लोग कब तक बैठेंगे? 10 बजे तक। 10 बजे तक बैठते हैं? और जो उधर बैठे इधर तक बैठते हैं, अपने घर चले जाते हैं। इस ठंड में 10 बजे रात तक आप लोग क्यों बैठते हैं? इसलिए कि आग तापते हैं, भगवान शंकर के घर में बैठते हैं, इसलिए कि कुछ आशा बनी रहे, दान दक्षिणा लोग करने आते हैं, पैसा दो पैसा मिलता है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं आधे लोग का रैन बसेरा यहीं पर है, बाकी जो लोग बचते हैं वो रात को 10 बजे के बाद अपने घर चले जाते हैं। उनका कहना है रात को इस कड़कती ठंड में हम रात को 10 बजे तक यहाँ इसलिए बैठते हैं कि यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, जैसा कि आप अपने, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा शंकर जी का मंदिर कहाँ पर है। शंकर जी के मंदिर पे यहाँ पर दर्शनार्थी काफ़ी तादाद पर आते हैं और यहाँ पर जो भी गरीब लोग बैठे हैं उनको, उनसे यह उम्मीद रहती है कि वह यहाँ पर रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये करके वो धर्म का कुछ पैसा मिल जाता है। हम यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर आप बगैर आग तापे बैठे हैं, कैसा रात कटती है आप लोगों की? ऐसे ऊपर वाला प्रभु जी छाया करा था भाई, जिसके माथे बैठे हैं ऐसे में नहीं बैठे, चार आठ आना पति हो नहीं भाजता नहीं है खुल्ला, वो उन्हें दुकानदार लेता इसका सामान लेता। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ लोग बैठे हुए हैं इस कड़कती ठंड में केवल इसलिए कि उनको 2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये करके जो शंकर जी के मंदिर में श्रद्धालु आते हैं वो उनको दें, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। हालांकि नगर निगम ने जिस तरह से पहल की है, उन्होंने अलाव की व्यवस्था की है कि गरीब लोग भी आग का सहारा पा सकें और गर्म कपड़े भी बांटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ अलाव की व्यवस्था की है, शहर के कई जगह पर उन्होंने अलाव जलाने की व्यवस्था कर दी है और लकड़ी की व्यवस्था कराई है ताकि गरीब लोग अलाव जलाकर गर्मी का एहसास कर सकें और ठंड से निजात पा सकें। आइए जानते हैं रीवा नगर निगम ने किस तरह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि मुसाफिर और गरीब लोगों को गर्मी का एहसास कराया जा सके, उन्हें ठंड से राहत महसूस कराई जा सके।
विजय जी बता दें कि रीवा में जो लगातार ठंड बढ़ रही है और उसके लिए जो लोग ठंड से प्रभावित है उनके लिए अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है। नगर निगम ने जगह जगह पर अलाव जो है जलाकर लोगों को ठंड से राहत देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो शहर के लोग हैं दोपहर में भी जो है आज काफ़ी शीतलहर के कारण ठुकरन जो है ठंड थी और उससे बचने के लिए लोग दुकानों में देखे गए, गर्म कपड़े खरीदते हुए देखे गए। इस और रीवा में के अलावा जो रीवा के अन्य जिले लगे हुए हैं सीधी, सिगरौली, सतना, यहाँ भी लगातार ठंड बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत से लगा हुआ ये रीवा है, सीमावर्ती है जैसे इलाहाबाद है, और तो जो शीतलहर वहाँ से चल रही है उसका प्रभाव यहाँ सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। ठंड के असर से जहां जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से ठंड पड़ती रही तो यातायात भी प्रभावित होगा और उसका असर सीधे हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी देखने को मिलेगा। स्कूलें प्रभावित होंगी, कॉलेज प्रभावित होंगे, दफ्तर प्रभावित होंगे और साग सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी। बहरहाल आप ठंड से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम करिए, गर्म कपड़े पहनिए और बिना वजह घूमने की बजाय आप घरों में रहिए ताकि आपको ठंड से निजात मिल सके। आप ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।